आपकी इस प्रेरणा दायक। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जो अभी तक लगातार इसरो की जो कामयाबी रही है उसके बारे में जिक्र उन्होंने किया। साथ ही एक बड़ी बात और निकलकर सामने आई, जहां प्रधानमंत्री ने गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों का खुलासा किया है, जिसमें आपको बता दें कि 4 अंतरिक्ष यात्रियों में ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, जिनका सबसे पहला नाम, दूसरे नंबर पर ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, और वहीं तीसरे नंबर की अगर बात की जाए तो ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, और उसके बाद में विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। तो ये 4 वो एस्ट्रोनॉट हैं जो अब गगनयान मिशन में शामिल होते हुए नजर आएंगे। हालांकि अगर देखा जाए तो अभी तक इनका चेहरा जो है सामने नहीं आया था, लेकिन ये लगातार इसकी ट्रेनिंग ले रहे थे, मेहनत कर रहे थे, और इनका चेहरा किसी ने नहीं देखा था, ना कोई नाम इनका जानता था। लेकिन अब आज की बात अगर की जाए तो अब ट्रेनिंग और ज़्यादा सख्त उनकी होने वाली है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि इनकी साधना योग और साथ ही इनकी ट्रेनिंग में कई सारी चीज़ों को शामिल किया गया है, साथ ही प्रधानमंत्री ने और क्या कुछ कहा है वो आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि 13 महीने तक रूस में अंतरिक्ष यात्रियों की ये ट्रेनिंग चली है, और रूस से लौटने के बाद भारत में भी इन 4 अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग चली है। तो कहीं ना कहीं इन 4 अब एस्ट्रोनॉट्स का जो नाम है उसका खुलासा अब हो चुका है। गगनयान मिशन में ये 4 एस्ट्रोनॉट हमें नजर आने वाले हैं, इन सब 4 को भेजा जाएगा, जो कि अब अंतरिक्ष में जाकर भारत का तिरंगा लहराएंगे। इसी के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में और क्या कुछ बड़ी बड़ी बातें कही हैं वो भी आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि ये नए कालचक्र की शुरुआत है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की जो शुरुआत की है उसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि ये नए कालचक्र की शुरुआत है, और अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आगे और देखिए भारत और कितने झंडे गाड़ेगा। वहीं साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि देश पहली बार अपने 4 गगनयान यात्रियों से परिचित हुआ है, क्योंकि इससे पहले इनकी ट्रेनिंग लगातार चल रही थी, लेकिन आज इनके नामों का खुलासा पूरी दुनिया के आगे किया गया है। साथ ही ये 140 करोड़ आकांक्षाओं को स्पेस में ले जाने वाली 4 शक्तियां हैं, क्योंकि पूरे देशवासियों को इनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। 40 साल के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है, 40 साल पहले गए थे और भारत के यात्री, और अब 40 साल के बाद ये 4 अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाएंगे। 21वीं सदी के भारत की सफलता में अंतरिक्ष यात्रियों का ये नाम अब और जुड़ चुका है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष में तिरंगा लहराने के लिए ये 4 यात्री लगातार मेहनत कर रहे हैं, और सिर्फ आज नहीं बल्कि कई वर्षों से लगातार अपने नाम को छुपा करके मेहनत कर रहे हैं। और साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की शुभकामनाएं अंतरिक्ष यात्रियों के साथ में हैं, साथ ही उम्मीदें भी हैं बहुत सारी इन अंतरिक्ष यात्रियों से। स्पेस सेक्टर में महिला शक्ति को लगातार महत्व मिल रहा है, महिलाओं की भी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कही, महिलाओं का जिक्र प्रधानमंत्री करते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं में साइंटिफिक टेम्पर के बीज बोएगा इसरो। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में आगे कहा कि स्पेस इकोनॉमी जो है आगे आने वाले समय में अगले कुछ सालों में 5 गुना बढ़कर यानी कि $44 अरब हो जाएगी आगे आने वाले कुछ सालों में। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगले आने वाले कुछ सालों में एक बार फिर से हम चंद्रमा पर जाएंगे और एक बार फिर तिरंगा लहराएंगे। साथ ही उस दौरान जब हम दोबारा जाएंगे चंद्रमा पर, तब वहां से सतह के जो कुछ सैंपल हैं वो लेकर पृथ्वी पर आएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा। वहीं प्रधानमंत्री ने 21वीं सदी का भारत अपने सामर्थ्य से पूरी दुनिया को चौंका रहा है, पिछले 10 साल में 400 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है भारत की तरफ से, इसरो की तरफ से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की क्या कुछ बड़ी बातें रही हैं वो हमने आपको बताई। साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में महिलाओं का भी जिक्र किया, युवा शक्ति का जिक्र किया। पिछले 10 सालों में इसरो ने किस तरीके से कामयाबी हासिल की है, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 का जिक्र प्रधानमंत्री करते हुए नजर आए। और साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले साल जब चंद्रमा पर हमारा जो विक्रम गया था, जब वो वहां पर लैंड हुआ, तो भारत के बच्चे बच्चे ने उस तस्वीर को देखा, और वाकई लाइव तस्वीर वो देखी गई और पूरे देश ने सैल्यूट किया उस दौरान इसरो को। साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में महिलाओं का भी जिक्र किया, उन्होंने कहा कि बिना महिलाओं के कोई भी मिशन हम सोच ही नहीं सकते। और साथ ही प्रधानमंत्री ने एस्ट्रोनॉट पर और क्या कुछ कहा एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। ये सिर्फ 4 नाम और 4 इंसान नहीं है, ये
140 करोड़ एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली चार शक्तियां हैं। 40 वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है, लेकिन इस बार टाइम भी हमारा है, काउंट डाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में महिलाओं का भी जिक्र किया और नारी शक्ति को लेकर प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। आज यहां अनेक प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण भी किया गया है, इनसे देश का वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सामर्थ्य तो बढ़ेगा ही, साथ ही रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे। और साथियों, मुझे खुशी है कि हमारे स्पेस सेक्टर में विमेन पावर, इस विमेन पावर को बहुत महत्व दिया जा रहा है। चंद्रयान हो या गगनयान, महिला वैज्ञानिकों के बिना ऐसे किसी भी मिशन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और इसी बीच हमारे साथ में हमारे मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं, अजय लल्ले साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि IDSA से स्पेस एक्सपर्ट हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन पर। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमने पूरा संबोधन सुना और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर महिलाओं का भी जिक्र किया, युवा शक्ति का जिक्र किया और साथ ही पिछले 10 सालों में इसरो किस तरीके से एक एक कदम कामयाबी के बढ़ रहा है उसका भी जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। बिल्कुल, अगर हम पूरा देखें, प्रधानमंत्री ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, एस्पिरेशंस। 1980 में इसरो ने पहली बार एक इंडिपेंडेंट रॉकेट लॉन्च किया था, तब से भारत के एस्पिरेशंस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं स्पेस में। हमने एक रॉकेट से लो अर्थ ऑर्बिट में एक सैटेलाइट भेजा था, उसके बाद हम चंद्रमा पे गए, फिर हमने सक्सेसफुली मार्स मिशन भी किया और आज प्रधानमंत्री ने 4 एस्ट्रोनॉट्स को प्रेजेंट किया है पूरे देश के सामने, जिनमें से सिलेक्टेड एस्ट्रोनॉट्स गगनयान मिशन का हिस्सा होंगे। सो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है भारत के स्पेस के संदर्भ में। हाल ही में तीन चार दिन पहले भारत ने 100% FDIs इन स्पेस सेक्टर को भी उद्घोषित किया है। तो अब हम स्पेस सेक्टर को देखें तो कई मायनों में स्पेस सेक्टर ने काफ़ी प्रगति की है। जो सोशल रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत है, हमारे जो नॉर्मल सैटेलाइट्स है उसका लॉन्चिंग तो हो ही रहा है जी। रिसेंटली हमने मून मिशन के बाद आदित्य L1 को भी लॉन्च किया था, एक बहुत महत्वपूर्ण साइंटिफिक सैटेलाइट की लॉन्च है। उसके बाद हम आने वाले दिनों में नासा के साथ एक टेक्सार भी लॉन्च करने जा रहे हैं। सो अगर हम देखेंगे तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भारत ने काफ़ी सारे सहयोग किए हैं, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस किए हैं, नासा के साथ जो प्रोजेक्ट है वो उसकी गवाही देता है। दूसरी चीज़, जैसा उन्होंने कहा कि अब जो भारत के वैज्ञानिक और भारत के एस्ट्रोनॉट्स आसमान में जाएंगे वो भारत की भूमि से और भारत के रॉकेट से जाएंगे, ये मेरे विचार से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होने वाली है। आने वाले दिनों में हमें और मिशंस करने हैं जी। जैसा आपने भी उद्धृत किया था कि हमें स्पेस स्टेशन बनाना है, तो आने वाले दिनों में जब आज़ादी के 100 साल कंप्लीट हो जाएंगे तब तक हमने एक पूरा आलेख तैयार किया है कि हमें आज हम कहाँ हैं और हमें आगे कहाँ तक जाना है जी। अजय जी, अगर चारों एस्ट्रोनॉट्स की अगर हम बात करें जो अब अंतरिक्ष की यात्रा पर जाएंगे, तो इनकी काफ़ी मेहनत हुई है, काफ़ी मेहनत और रूस से भी लगभग 13 महीने की ट्रेनिंग ये लोग लेकर आए हैं, साथ ही उसके बाद भारत में आकर के भी इनकी ट्रेनिंग लगातार चली है और नामों का खुलासा अब जाकर किया गया। हालांकि प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि असली साधना जो है वो अब इनकी शुरू होगी, अभी भी ट्रेनिंग इनकी चलेगी उसके बाद में। और क्योंकि इनकी ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो कुछ झलकियाँ भी इस दौरान हमने एक वीडियो के जरिए देखी थी अभी कुछ पहले। जी अजय जी, आवाज मिल रही है? आवाज आ रही है जी। अगर आप इनके ट्रेनिंग का जिक्र करें तो
तो ये 1 साल से भी ज्यादा रशिया में रह चुके हैं। बिल्कुल बेसिकली हमारा जो स्पेसक्राफ्ट है, जो गगनयान, उसका अगर हम डिजाइन देखें तो वो एक रशियन डिजाइन के बराबर का डिजाइन है। दो प्रकार के डिजाइन होते हैं, एक अमेरिकन डिजाइन होता है जिसमें वो स्पेस शटल होता है, तो हमारा स्पेस शटल वाला सिस्टम नहीं है, तो इसीलिए उनको ट्रेनिंग लेने की जरूरत थी रशिया में, वो कंप्लीट करके आए। उसके बाद कोविड के कारण कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे, लेकिन उनकी ट्रेनिंग लगातार चलती रही। बैंगलोर में इसरो ने एक एरिया एस्टैब्लिश की है जहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग चल सकती है, तो ये ट्रेनिंग उनकी अभी भी चल रही है। मेरे विचार से ये एस्ट्रोनॉट्स का एक तरह से सौभाग्य है कि उनको ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिला है, अदरवाइज कोविड का प्रॉब्लम नहीं होता तो अब तक भारत का मिशन जा चुका होता। सो अब ये एस्ट्रोनॉट्स बहुत ही ज़्यादा वेल ट्रेन्ड है, डेफिनेटली उनका अब पार्टिसिपेशन रहेगा जैसे जैसे गगनयान के आगे वाले मिशन चलते रहेंगे। सो राइट फ्रॉम डिजाइन स्टेज ये एस्ट्रोनॉट्स फाइनली ये प्रोग्राम को पूर्णता देंगे जब वो अंतरिक्ष में जाके वहाँ 6-7 दिन जैसा उनका मिशन का प्लानिंग होगा रहेंगे, और उसके बाद भारत की धरती पर प्रवेश करेंगे। सो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि आने वाले दिनों में हमें स्पेस स्टेशन तक जाना है। अगर स्पेस स्टेशन तक जाना है तो खाली हमें स्पेस में जाने की जरूरत नहीं है, उसके बावजूद हमें और भी एक्सपेरिमेंट्स करने की जरूरत है। बिल्कुल। तो मेरे विचार से फर्स्ट मिशन के बाद भारत ये डिसाइड करेगा कि हमें एक अंतरिक्ष वॉक बोलते हैं स्पेस वॉक, उसकी भी ट्रेनिंग लेने की जरूरत है, उसके भी एक्सपेरिमेंट्स करने की जरूरत है। तो आने वाले दिनों में खाली हमारे अंतरिक्ष वीर स्पेस स्टेशन स्पेसक्राफ्ट में बैठ के स्पेस में नहीं जाएंगे, उसके बाद वो स्पेसक्राफ्ट से बाहर भी आ जाएंगे और स्पेस वॉक्स भी करेंगे, क्योंकि जब हम स्पेस स्टेशन पूरा एस्टेब्लिश करेंगे तब स्पेस स्टेशन की मरम्मत के लिए और कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए लोगों को स्पेस शटल से बाहर जाने की जरूरत होती है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहेगा और इसीलिए हमने बैंगलोर में एक फैसिलिटी को बनाया है जहाँ पे ये ट्रेनिंग चलती रहेगी और उसके बाद एक्चुअल मिशंस भी होते रहेंगे। जी अजय जी, अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान एक बात और जिक्र किया कि जब उन्होंने प्रदर्शनी को देखा तो इस प्रदर्शनी के दौरान उन्होंने देखा कि गगनयान मिशन में ज्यादातर जो उपकरण जिनका इस्तेमाल किया गया है वो मेड इन इंडिया थे, यानी कि एक तौर पर अगर देखा जाए तो इसरो भी लगातार मेड इन इंडिया को बढ़ावा देता हुआ नजर आ रहा है और सीधे तौर पर लक्ष्य जो है वो है हमारा विकसित राष्ट्र का 2047 तक। बिल्कुल, अगर हम अपना पूरा स्पेस प्रोग्राम देखें, भारत का स्पेस प्रोग्राम अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो ये काफ़ी बड़ी मात्रा में मेड इन इंडिया स्पेस प्रोग्राम ही है। भारत की न्यूक्लियर पॉलिसीज के तहत जब हमने फर्स्ट न्यूक्लियर परीक्षण किया था और सेकंड न्यूक्लियर परीक्षण किया था तब पूरे विश्व ने भारत के ऊपर टेक्नोलॉजी देने के लिए बैन लगाया था, तो इसरो जल्दी बहुत पहले से ही मेड इन इंडिया चीज़ें बनाने में कार्यरत है। तो भारत का एंटायर स्पेस प्रोग्राम पिछले 40 साल 50 साल में आप देखेंगे तो हमने बहुत ज़्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया है कि अगर कोई टेक्नोलॉजी हमें देते नहीं है तो हम टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल, पीएम ने आज क्रायोजेनिक इंजन, सेमी क्रायोजेनिक इंजन के बारे में भी बात की, तो ये भी जो एरिया है हमें 1992 में ये टेक्नोलॉजी देने के लिए अमेरिका ने रोका था, उसके बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने ही काफी कठोर परिश्रम करके क्रायोजेनिक इंजन को डेवलप किया था। जी, अगर हम देखेंगे आने वाले दिनों में मेरे विचार से भारत के स्पेसक्राफ्ट में ऑलमोस्ट एवरी कंपोनेंट मेड इन इंडिया ही होगा। बिल्कुल, चलिए ठीक है अजय जी, थोड़ी देर के लिए हमें यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए क्योंकि ब्रेक के बाद भी हमारा खास कार्यक्रम जो है वो यूं ही लगातार जारी है। तो जिस तरीके से देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहीं ना कहीं महिलाओं का भी जिक्र किया, युवा शक्ति का जिक्र किया, साथ ही उन्होंने जिक्र किया कि इसरो किस तरीके से लगातार पिछले 10 सालों में एक के बाद एक कामयाबी के जो कदम है वो बढ़ा रहा है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, ब्रेक के उस पर देखिए हमारा खास कार्यक्रम मिड डे प्राइम। नमस्कार।